सब्सक्राइब कीजिए पोलोजी टेक्निकल को, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पोलोजी टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोकॉन D2H HD सेटअप बॉक्स के बारे में और नॉर्मल सेटअप बॉक्स के बारे में। HD सेटअप बॉक्स के बारे में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा मॉडल है जिसे आपको कभी परेशानी का सामना न करना पड़े और आपके लिए बेस्ट हो। तो चलिए दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास HD का सेटअप बॉक्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप RF रिमोट है, रिमोट रेडियो फ्रिक्वेंसी रिमोट है। यहाँ पे देखेंगे ये HD में केबल और ये अडेप्टर। ये दोस्तों सेटअप बॉक्स, ये देख सकते हैं दोस्तों सेटअप बॉक्स है। दोस्तों आप HD का सेटअप बॉक्स खरीदना चाहें तो आप HD में भी दो मॉडल आते हैं, जिसमें एक तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 4x6 है और RF लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले सेटअप बॉक्स में आप कोई भी रिमोट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं और HD का भी यूज़ कर सकते हैं, और RF वाला रिमोट आता है वो 100 फीट तक काम करता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों इसमें सेट बॉक्स आता है जिसका मॉडल नंबर है HD 4x2। उसमें दोस्तों RF का रिमोट ही काम करते हैं, और वो रिमोट क्या है, दूसरा चलाने के लिए दूसरा रिमोट पेयर करना पड़ता है, ऐसे ही चलता नहीं इसमें। तो इस वाले सेटअप बॉक्स में दोस्तों आप कोई भी रिमोट यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल हो या फिर इसका RF रिमोट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले सेटअप बॉक्स में दोस्तों यही डिफरेंट है कि इसमें आप कोई भी रिमोट यूज़ कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। अगर HD में 4x2 वाले बॉक्स में दोस्तों आप HD RF ही यूज़ कर सकते हैं, अदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, और बाकी का उसमें कनेक्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको सेटअप बॉक्स बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास 4x2 वाला बॉक्स है, और इसमें दोस्तों आप RF ही यूज़ कर सकते हैं, जो RF रिमोट आता है वो यूज़ कर सकते हैं, बाकी अदर रिमोट यूज़ नहीं होगा। और उसमें रिमोट दोस्तों ये वाला काम करेगा, ये 4x2 वाले में ये वाला रिमोट काम करेगा और इसमें भी ये वाला करेगा, लेकिन आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों इस 666 वाले बॉक्स में आप ये वाला रिमोट भी काम कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मेरे पास RF HD का है ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला दोस्तों 666 वाले में 4x6 वाले में काम करेगा, और इस 4x2 वाले बॉक्स में काम नहीं करेगा, जो ये वाला है। इसके ऊपर देख सकते हैं इसके ऊपर लाइट है और इसके ऊपर लाइट नहीं है। तो ये वाला दोस्तों 100 फीट तक काम करता है और ये वाला 10 फीट तक काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला रिमोट ओनली रूम में काम करेगा, और HDRF है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनमें से आप कौन सा लेना चाहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 4x6 वाला लेंगे या 4x2 वाला लेंगे? 4x2 वाले में दोस्तों आप RF यूज़ कर सकते हैं, और इसमें दूसरा रिमोट कनेक्ट करने के लिए पेयर करना पड़ेगा, या फिर किसी दुकानदार से, अगर मान लो कि आपका रिमोट कहीं खो जाए तो आप दूसरा रिमोट लाना पड़ेगा दुकानदार से और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसको भी दोस्तों कनेक्ट करने के लिए आपको ये सेट बॉक्स और सेट बॉक्स दुकानदार के पास लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से पेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो बना दूंगा कि आप पेयर कैसे करें। और दोस्तों इस वर्ष 666 वाले बॉक्स में आप कोई भी रिमोट काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका RF वाला रिमोट भी यूज़ ले सकते हैं और नॉर्मल वाला ये भी यूज़ ले सकते हैं। अगर मान लो कि RF वाला कभी काम नहीं कर रहा है आपका, तो आप कोई भी रिमोट यूज़ कर सकते हैं इसमें, यही बेनिफिट है आप 4x6 वाले बॉक्स में। तो आप दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा सेटअप बॉक्स अच्छा लगेगा, RF 4x2 या RF 4x6। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये तो हो गया HD। अगर आप नॉर्मल बॉक्स लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या HD? वैसे दोस्तों देखने में दोनों ही सेम लगते हैं कि ये RF HD है या फिर नॉर्मल। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला दोस्तों हमारे पास नॉर्मल बॉक्स है, जो मैंने पहले बताया था रिमोट नॉर्मल, वो था दोस्तों कॉपी था, और ये थे ओरिजिनल है, वीडियो कॉन D2H का ओरिजिनल रिमोट है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, और बाकी सब सेम है दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों
यहाँ पे भी HD लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या HD? तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं HD 2255 और IR लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। IR से आप पहचान कर सकते हैं कि ये रिमोट बॉक्स नॉर्मल है या HD। अगर आपको कोई भी दुकानदार कह सकता है कि ये HD बॉक्स है, आप HD बॉक्स ले जाइए 1500 रुपये में, लेकिन फिर भी दोस्तों ये HD नहीं है। तो ये दोस्तों HD IR इसलिए कि ये कंपनी भविष्य में कभी भी आपका सेट बॉक्स को अपग्रेड कर सकती है ऑनलाइन, तो इसमें आपके HD चैनल आ सकते हैं। तो आप नॉर्मल लेते हैं तो भी आपके भविष्य में कंपनी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेगी तो उसमें आपके चैनल आ जाएंगे HD के, और ये वाला सेट बॉक्स आपके HD बन जाएगा। तो दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि उनको आप ये IR लेकर इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये वाला नॉर्मल बॉक्स है, तो इससे दुकानदार आपका आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लाए। तो आपको HD बॉक्स चाहिए तो आप ये RF वाला लीजिएगा, जिससे कि इसमें RF ये फुल HD है और RF लिखा हुआ है, जिसमें इस रिमोट आएगा आपके सॉफ्टवेयर तक काम करेगा, और इसमें RF रिमोट आएगा और इसमें नॉर्मल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप पहचान कर सकते हैं IR और RF में कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा HD। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।